तो भाई लोग फिर से आ गए एक और GTA 5 एक्सपेंडेड एनहांस के गेम प्ले वीडियो में। और जो तुम्हारे में से GTA 5 को ऐसा बोरिंग और पुराना सा बेकार सा समझ के भागने वाले भी वीडियो छोड़ गए, वो रुको अभी, है ना, क्योंकि ये GTA 5 नहीं है अपना नॉर्मल वाला, ये उससे बेहतर है। GTA 5 एक्सपेंडेड एंड एनहेंस्ड बेहतर है उससे, बढ़िया है, मज़ा आता है इसमें। जा एंड तक देख लो, है ना, फिर बताना कैसे लगी। ग्राफिक्स भी अच्छे हैं, स्टोरी भी अच्छी है, सब अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा अलग सा है, मतलब सेम स्टोरी को आगे बढ़ाएगा लेकिन काफ़ी अलग और बढ़िया तरीके से। और भाई लोग अभी हमें काफ़ी टाइम हो गया इस चैनल पे गेम खेले हुए, तो मैं एक बार फिर से स्टोरी तुम्हें बता देता हूँ कहाँ पे हमने छोड़ी थी। शेख का लोंडा जिस घर में रुका हुआ था, हमें उस घर का पता लग गया था और हमने भाई वहाँ इतने बम मारे, भाई पूरे घर में आग लगा दी और एकदम तबाही मचा के रख दी, खतरनाक वाली, है ना। और उसके बाद में हम ये सब करके और वहाँ से भाग गए, और हमें टिप जो है वो दी थी ट्रेवर ने, भाई फ्रैंकलिन और ट्रेवर अपने काम के लिए शेख की बढ़िया करके बजा रहे हैं, ठीक है। और हमें तो बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि अगर हमने उसकी नहीं बजाई तो हमारी बजा सकता है। और मैं तो बता रहा हूँ भाई, शेख को बिल्कुल ये लगा होगा क्योंकि उसका लोंडा वहाँ के रुकने वाला था, लेकिन वो अभी तक आया था, सिर्फ सिक्योरिटी थी, तो हमने तो इसलिए वहाँ पे पेंटिंग चुराई थी, पेंटिंग चुराने गए थे वैसे तो बेसिकली ट्रैवल का कर्जा चुकाने के लिए, लेकिन भाई हमने आग भी लगा दी फिर अपने गुस्से में, है ना। लेकिन भाई शेख की बिल्कुल इस टाइम फटी पड़ी होगी कि अब तो भाई ये बंदा बिल्कुल पीछे पड़ चुका है मेरे, क्योंकि भाई से लगा हुआ कि लोंडे के ऊपर उसके सीधा हमला है भाई। और हमारा भी कर्जा भी चुक गया जो हमने ट्रैवल से उठाया था अपनी एकदम गरीबी वाली लाइफ को थोड़ा सा स्टेबल बनाने के लिए, है ना। और हमारी लाइफ वैसे भी स्टेबल बन चुकी है, अभी अपनी जॉब काफ़ी स्टेबल है तो कोई दिक्कत है नहीं है सच। तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या होता। तो भाई लोग अभी हम उठ चुके हैं और अगला दिन हो गया और थोड़ी सी बारिश भी पड़ रही है आज, इसलिए हम गीले भी हो गए हैं ना। और क्या कहते हैं, यहाँ पे आए हुए थे हम अपनी छत पे, काफ़ी सही है, मतलब धूप धूप सी कर रखे, धीरे धीरे थोड़ी सी बारिश भी पड़ रही है अभी आसमान में। कल जब हम आए थे तो जब तो बहुत ज़्यादा बारिश और तूफान सा रखा था, लेकिन अब थोड़ा ठीक है, है ना। और अभी अभी हमारे पास फ्रैंकलिन का फ़ोन आया है, उसने हमारे से नीचे स्टूडियो में आने को कहा है। और स्टूडियो में तो मैं बता दूं वही जगह है जहाँ पे पहले हमारा जाना मना था, तो भाई पता नहीं उसने क्यों बुलाया, पहले तो ये कह रहा था कि बिल्कुल चले मत जाना चाहिए, कुछ भी हो जावे, है ना। अभी एकदम से स्टूडियो बुला रहा है। ओ भाई, ये जो बंदा सामने खड़ा है तो शेख का सिक्योरिटी गार्ड है भाई, पीछे ही हो लेता हूँ वापसी से, ठीक है। आराम आराम से चलना पड़ेगा भाई, इसके पीछे दुबक जाता हूँ मैं, ठीक है भाई। शेख का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है यहाँ पे, शेख का सिक्योरिटी गार्ड कैसे है? और ये शेख का कोई आम ऐसा छोटा मोटा सिक्योरिटी गार्ड नहीं है भाई, बहुत तगड़ा सिक्योरिटी। ओ भाई, यहाँ पे नीचे भाई शेख के बंदे खड़े हैं, कोर्ट वाले। ये जो तुम नीचे कोर्ट में दो बंदे देख रहे हो ना, शेख के हैं ये दोनों। और भाई वहाँ पे एक बंदा खड़ा है, वो तो अच्छा हुआ एकदम से भी नजर पड़ी उस पर, मैं नहीं तो उसके सामने चला जाता, इधर की तरफ पीट करके वैसे खड़ा है वो, ये बात भी सही है। ठीक है, मैं एक बार तुम्हें छुप छुप के दिखाता हूँ उसके पास को जाकर, ये देखो भाई ये वो बंदा। ओ भाई 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 भाई, ये क्या, ये तो भाई शेख की बहुत ज़्यादा तगड़ी सिक्योरिटी में से है। शेख की सिक्योरिटी का मैं बताऊँ तुम्हें, उसके भाई कई लेवल होते हैं, जैसे कि सबसे हल्के वाले तो होते हैं गैंग मेंबर्स जिन्होंने हमारे पर हमला भी किया था, जिनसे आज तक भाई ज़्यादातर टाइम लड़ाई बचती आई है ना। उसके बाद भाई उनसे तगड़ा आते हैं शेख की पर्सनल आर्मी वाले, भाई दुबई आर्मी से अलग शेख की एक पर्सनल आर्मी भी है जिसमें भाई काफ़ी तगड़े तगड़े बंदे हैं वो, मतलब जो शेख की पर्सनल आर्मी है ना वो दुबई आर्मी से पावरफुल है। और उसके बाद में आते हैं भाई ये बंदे कोर्ट वाले, ये भाई शेख के बिजनेस वगैरह पे रहते हैं, वो भी दो तीन शेख के जो बहुत ही बड़े बड़े बिजनेस हैं, मतलब पूरे ऐसे बहुत ही बड़े बड़े बिजनेस हैं, मतलब मिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर के, वहाँ पे भी 10 से 15 बंदे कुल रहते हैं कोर्ट वाले, ठीक है। इतने कम है शेख के पास ये बंदे। और भाई लोग, ये जब ड्रग्स डिलीवर करने भी आए थे लॉस सैंटोस में, जब हमने इन्हें सारों को फोड़ा था, जब हमने इसलिए फोड़ पाया क्योंकि इन्हें हमारे पास शक नहीं था बिल्कुल भी, नहीं तो भाई ये इतने खतरनाक होते हैं कि किसी को भी नहीं छोड़ते। इनका काम होता है भाई शेख के बिजनेस की और शेख के लॉन्डो की सिक्योरिटी करना, ठीक है। ये शेख की लॉन्डिया के साथ भी जा नहीं चलते, अगर उसके ऊपर कोई खतरा हो, किसी खतरनाक जगह जा रही हो, तो ही उसके साथ एक या दो बंदा चलता है इनमें से। जब वो हमारे से मिलने भी आई थी ना, उस टाइम अगर भाई एक भी बंदा आ जाता है इनमें से तो भाई हमारा बचना मुश्किल हो जाता, ये इतने तगड़े होते हैं भाई। हथियार भी देखो आप, बड़े तगड़े तगड़े भारी भारी वेपन्स रखे हैं इन्होंने। और इनके बाद भाई बस एक लेवल आता है शेख की सिक्योरिटी का, वो भाई शेख की यूनिफॉर्म में रहते हैं और वो जनरली दुबई के अंदर रहते हैं और शेख के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, और उसके लोंडो के भी वो जब सिक्योरिटी करते हैं जब उनके ऊपर कोई खतरा हो, नहीं तो ये जो काले कोट वाले हैं ये सिक्योरिटी करते हैं। लेकिन भाई ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदे होते हैं यार, ये यहाँ कैसे आ गए भाई, वो भी इतने सारे, एक बंदा वहाँ खड़ा है, दो यहाँ खड़े हैं, वो भी पता नहीं कहाँ कहाँ घुस रखे होंगे। मैं तो शुक्र बनाओ भाई, अच्छा है भाई कमरे तक नहीं आए, हमने कुछ क्या कहते हैं अपने यूनिफॉर्म वगैरह वैसे नहीं पहन रखी, हिटमैन की पैर भी रखी होती तो भाई दाब लेते हैं, हिटमैन मिल गया, हिटमैन मिल गया। भाई फ्रैंकलिन को फ़ोन करना पड़ेगा यार, ये क्या है।
तो भाई लोग, अभी हमारी फ्रैंकलिन से बात हुई है और उसने कही है कि ये बंदे तुम्हें कुछ नहीं कहने के, बस तुम इन्हें उंगल मत करना, और इन्हें मैंने बुलाया है वो तुम्हारे से ही लड़ने को। भाई देख लो, इन्होंने मैं कुछ कहा भी नहीं, मैं इस बंदे के सामने भाई मिनी गन लिए खड़ा है बंदा वो। भाई चलते, ओ भाई यहाँ तीन बंदे खड़े हैं जिनने से उतरते ही, अगर यहाँ कोई भी जहाज से भी हरकत करने की कोशिश करे ना भाई गयो। ये बंदा भाई आरपीजी लिए खड़ा है, और ये दो बंदे, ये दोनों मशीन गन लिए खड़े हैं भाई, और ये बंदा पीछे ये बुलपप राइफल लिए खड़ा है। ओ भाई ये वेपन भी भाई एकदम चुन चुन के लाते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदे होते हैं ये। दोनों भाई स्नाइपर लिए खड़े हैं एकदम तकड़ी। ओ भाई यहाँ पे बंदा शॉर्ट गन लिए खड़ा है। ओ भाई ये दो बंदे रेल गन लिए खड़े हैं भाई, रेल गन वो इतनी तकड़ी वेपन मैंने तुम्हें दिखाया था। अगर तुम्हें नहीं पता रेल गन क्या है भाई, मेरी पिछली वाली वीडियो देखो, पिछली या इससे पिछली वीडियो में बताया होगा मैंने रेल गन के बारे में। भाई बहुत ही ज़्यादा तकड़ी बंदूक होती है, तो दोनों के पास रेल गन है, एक के पास तो जैसी रेल गन हमें मिली थी ना उससे भी तकड़ी रेल गन है, और इस बंदे के पास भी नॉर्मल वाली रेल गन है। ठीक है, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। वो भाई यहाँ पे ये वो स्टूडियो, वहाँ तक का मैंने तुम्हें दिखाई रखा है पीछे तक का है ना, यहाँ ये स्टूडियो है, यहाँ पे मैं जाने के लिए मना कर रहा था फ्रैंकलिन ने, ये कहा था कुछ भी हो जाए यहाँ मत जाना, और ये क्योंकि इलाका बुकड है भाई, पता नहीं क्यों इसी इलाके में बुलाया मैं, और ये कह रहा है मैं अभी यहीं पे हूँ स्टूडियो के अंदर। ठीक है, गेट बंद कर देते हैं। ओ भाई माइकल यहाँ कैसे है? वो मैं पहले तुम्हें एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ है क्या क्या, फिर तुम्हें कहानी बताता हूँ आगे की। तो ये जो है एक स्टूडियो है, म्यूजिक प्रोडक्शन स्टूडियो, और माइकल ने ले रखा है ये भाड़े पे इस होटल के अंदर, और इसे अभी तक पता नहीं था कि ये फ्रैंकलिन का ही होटल है, ये भी शायद जहाँ तक पहली बार मिले हैं। और यहाँ पे एक म्यूजिक प्रोडक्शन का है, यहाँ पे गाना वाना गा सकते हैं बंदे, और यहाँ भी म्यूजिक प्रोडक्शन का है, यहाँ पे बंदा गाना वाना गा रहा है अभी, शायद या फिर गा रहा होगा थोड़ी देर पहले, अभी तो आवाज़ आ रही गाने गाने की है ना। और यहाँ पे भी बंदा बाहर से मॉनिटर करता रहता है, यहाँ से माइकल खड़ा होकर देख सकता है अंदर क्या चल रहा है ना। दोनों स्टूडियो में कांच रखा है, अंदर का दिखता है। और भाई इसके अंदर है ये ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो है, यहाँ पे क्या कहते हैं शूटिंग वूटिंग होती है छोटी मोटी वीडियोज़ की, और इन सब की जो भी ग्रीन स्क्रीन पे काम होता है वो यहाँ होता है। और यहाँ पे भी एक किवाड़ है यहाँ पे। ओ भाई बेहतरीन, यहाँ पे इन्होंने वो बना रखा है थिएटर एक तरह से, छोटा थिएटर है, यहाँ पे बंदे बैठ के भाई मूवी देख लो जो बनाते हैं अपनी। सही चीज़ है भाई। खैर मैं तुम्हें ये बताया था कि भाई फ्रैंकलिन की और माइकल की लड़ाई बज रखी थी जब हम यहाँ पे आए, तो माइकल ने कहा था कि तूने इसे यहाँ पे आने क्यों दिया फ्रैंकलिन से, तो फ्रैंकलिन कह रहा था कि मेरे से बॉस ने कहा था, तो क्या कहता है माइकल ने कही कि बॉस ने तो ये जगह मुझे दी थी फिर तूने इसे कैसे रख लिया। तो जब ही हम आ गए तो जब भाई जब माइकल कहने लगा कि देखो आ गई मुसीबत की जड़, पहले तो मैं मना करने में भी 1 किलोमीटर ऐसे सेटिंग करी, अब फिर बेमतलब ये बॉस ने ठोक दिया, और फिर क्या कहता है पूरे शहर में तहलका मचा रखा है। तो भाई हमने सोचा है कहीं से उसको कदर नहीं पता लग गया कि भाई हम हिट विट कर रहे हैं पूरे शहर में, तो हमने पूछा कि भाई क्यों क्या हुआ, तो उसे कही कि शेख की लोंडिया को ठोकना कम था, जो पहले उसका सामान उठाया और उसके लोंडे में भी जानलेवा हमला कर दिया, देखो माँ बेटी घर से भागी तो भागी, शेख के बंदे वो ठोक दिए, और अभी मुस्टंडे मेरे ऊपर बिठा रखे हैं टॉयलेट में भी, इनका एक बंदा मेरे साथ जावे है, वो तो साथ में $1 मिलियन और ले गई। तो भाई वो अमेंडा और ट्रेसियो कह रहा था, और वैसे भी ड्रग्स चुराई तो चुराई, जिस होटल में रुका उसकी VIP पार्किंग में और गाड़ी खड़ी कर दी, उसी ट्रक को ट्रेस करता करता शेख यहाँ तक पहुँच गया, और उसने मुझे तुझे लेने के लिए भेजा है, तो हमने कह दिया कि भाई हम तो नहीं जा रहे। तो इसने कही कि शेख के बंदे थे भाई नहीं जाने देने के, करिए जो करना हो, तो हमने कहा ठीक है हम भाई नहीं जा रहे, हम क्या कहें यहीं रहेंगे। और भाई लोग अभी यहाँ से थोड़ा सा क्रू चला गया, शूटिंग वूटिंग खत्म होगी, तो भाई लोग अभी हमें यहाँ पे काफ़ी देर हो गई, और बाहर तूफान भी आ रखा है काफ़ी तकड़ा वाला, अच्छी खासी बारिश वारिश हो रही है बाहर भाई, देखो बिजली बिजली कड़कने लग गई फिर से। ठीक है, बारिश का मौसम हो रहा है तकड़ा। ओ भाई यहाँ तो हेलीकॉप्टर आ गए शेख के बंदों के। ओ भाई इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, तो भाई लोग भी हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा भाई के अटैक कर रहे हैं, और ओ भाई ये कैसे हुआ, ओ भाई सारे के सारे बंदे फट गए एक झटके में। ओ भैया भाई फटे जा रहे हैं बंदे, ओ ये दीवारें फट गई भाई सारी ढंग से, ये क्या हुआ कैसे। तो भाई लोग अभी अभी हमारे पास फ्रैंकलिन आया, हमारे हाथ में होमिंग लॉन्चर, तो भाई इसने क्या है फ्रैंकलिन ने हमारे से कहा है कि अभी क्या कहते हैं पूरे इलाके में बम बम फट गए, और इसने बताया कि शेख के बंदों ने भाई इंफॉर्मेशन दे दी थी जो शेख है उसे कि हम यहीं पे हैं, उसने हमें इसे कंफर्म करने के लिए भेजा था माइकल को,
एक तरह से ट्रैप की तरह यूज करके। और भाई इसने कहा कि अब यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है, तो हमारे साथ माइकल से कहा कि भाई तुम अपनी दुश्मनी बुलाओ और जाके यहाँ पे लड़ो। भाई देखो पूरा होटल फट गया भाई, दीवारें टूट गई सारी की सारी, ढंग से बर्बाद सा हो गया एक तरह से होटल। उसने वैसे भी ये कह दिया कि ये जगह हमारे रुकने के लिए सेफ तो है नहीं, लेकिन इसने क्या करा, एटलीस्ट बंदे सारे के सारे मार दिए। तो हमने कहा कि भाई तुमने ये कैसे करा, इन्हें मारा तो इतना मुश्किल है। तो इसने कहा कि इसने उन्हें शेख के बंदों को वहीं खड़े होने के लिए कहा था जहाँ पे बम लग रखे थे पहले से। और भाई इसने क्या कहते हैं, सारे के सारे बम फोड़ दिए। और अभी क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर ने हमला कर दिया यहाँ पे तकड़ा वाला। भाई यहाँ पे सारे में आग लगा रखे भाई हेलीकॉप्टर ने। अभी क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर को मार के। और ओ भाई 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 भाई, अरे यार ये तो नीचे गिर गए ढंग से। कोई नहीं भाई, हम ये जो बीच में गैप सब खुल रखा था सीढ़ियों के, इसमें से नीचे गिर गए। और हेलीकॉप्टर भी ऊपर ही लग रखा है उन्हें बंदों को मारने मूने में, लेकिन यार मुझे भी ये नहीं पता मैं ऊपर कैसे जाऊँगा। ओ भाई भाई भाई, रैंप के ऊपर हेलीकॉप्टर ने बम मार दिया, यहाँ से गाड़ी नीचे गिरने लग गई, अब मुझे ऊपर जाना पड़ेगा फटाफट। ओ भाई सारे में आग लग रखी है भाई, पूरे में आग लगा दी ढंग से। और यहाँ पे क्या कहते हैं, इतनी बारिश पड़ रही है जब भी आग नहीं बुझ के दे रही। ओ भाई सब बंदे चले जा रहे हैं यार, भाई भागना पड़ेगा यहाँ से। चलो जैसी आग बुझी, इतना भाई भर के तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, फिर भी नहीं आग बुझ के दे रही भाई, ठीक है। और क्या कहते हैं, यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है नीचे, ठीक है। उसने कहा है जल्दी से हेलीकॉप्टर पहुँचो, माइकल से कहा है हमें कवर देने को, और हमारे से कहा है हेलीकॉप्टर पहुँच के भाई सिचुएशन संभालने के लिए, ठीक है भाई लोग। तो अभी हमने क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करा लिया है। ये फ्रैंकलिन का हेलीकॉप्टर है भाई, टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से हेलीकॉप्टर भी ढंग से नहीं उड़ पाया, क्रैश होने के चांसेस हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए अभी उनके हेलीकॉप्टर भी ढंग से रिएक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर भी वो भाई लोग, अभी अभी हमने वहाँ पे पार्किंग में भी एक हेलीकॉप्टर को फोड़ा है पार्किंग में भाई। वो हेलीकॉप्टर ने बहुत ज़्यादा क्लच सीन कर रखा था भाई, सारी जितनी भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ थी वहाँ पे सब फोड़ फाड़ दी थी उस हेलीकॉप्टर ने, ठीक है। और अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे की साइड आ गए थे, अभी हमें वापस से हेलीपैड भी जाना है इतनी ज़्यादा टर्बुलेंस के बीच में। तो भाई यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ाना भी काफ़ी मुश्किल हुआ है, हेलीपैड पे लैंड करना तो वो भी मुश्किल है, ठीक है। लेकिन आराम आराम से लेके चलेंगे, ठीक है, स्पीड ज़्यादा नहीं करने के, ज़्यादा स्पीड पे ज़्यादा कंट्रोल के बाहर होती हैं चीज़ें। तो भाई लोग अभी हमने बड़ी मुश्किल के बाद इतनी टर्बुलेंस के होते हुए भी इस हेलीकॉप्टर को यहाँ पे लैंड करवा दिया, और यहाँ पे हमने सारे के सारे हेलीकॉप्टर भी डिस्ट्रॉय कर दिए। और अभी क्या कहते हैं, माइकल और फ्रैंकलिन आते ही होंगे। तो भाई लोग माइकल और फ्रैंकलिन आ चुके हैं, और सारे के सारे ड्रग्स और भाई जो सोना पैसा जो भी सब कुछ था ज़्यादा जरूरी सामान, वो हेलीकॉप्टर में लोड हो गया। तो अभी फटाफट चलते हैं यहाँ से। भाई फ्रैंकलिन ने पाँच हेलीकॉप्टर रखा है जो कि वन ऑफ द बेस्ट अटैक चॉपर है। तो भाई लोग अभी हम हेलीकॉप्टर उड़ाए थे, तो फ्रैंकलिन ने हमें बताया कि इसने लामा से ड्रग्स के लिए एक ट्रक का जुगाड़ करने के लिए कह दिया, और हमें बस एक लोकेशन पे अपने हेलीकॉप्टर को लैंड कराना है, और सारी की सारी ड्रग्स जो है वो ये लोग कर लेंगे, उठा लेंगे। और इस टाइम हम बादलों के ऊपर उड़ा रहे हैं हेलीकॉप्टर, ये भाई नीचे बादल है ऊपर हमें। और इसने हमें एक लोकेशन भी दी है, वहाँ पर इसने कहा है कि घर है, और उसमें क्या कहते हैं, तुम थोड़े दिन के लिए लो प्रोफाइल बन के रहना, क्योंकि वो घर जो है एक बहुत ज़्यादा महंगे इलाके में नहीं है, और वहाँ पे मतलब कोई तुम्हारे ऊपर इतना ध्यान व्यान नहीं देगा, तो तुम आराम से लो प्रोफाइल मेंटेन कर पाओगे। लेकिन बस अपने साथ कोई सुपर कार वगैरह मत लाना, थोड़ी सी नॉर्मल सी बाइक और कार यूज़ करना, जिससे कि तुम अलग से ना दिख के आओ। और साथ ही साथ उस घर में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है। तो भाई फिर माइकल हमारे से कहने लगा कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी तरह बनो, इसलिए मैंने इतने सारे पैसे भी कमाए थे। तो हमने कहा कि भाई हुआ तो फिर भी ये तेरी वजह से, तुमने भगाया था घर से। तो भाई माइकल ने कहा कि जितना बड़ा पंगा तुमने ले लिया था, अगर मैं ये नहीं करता तो आज हमारे में से कोई सा भी जिंदा ना होता। और वो दोनों तो अभी भी पता नहीं कहाँ हैं। तो हमने पूछा कि हाँ तू पहले भी उनके बारे में बात करता, और उनके साथ क्या हुआ। तो भाई माइकल ने सारा कुछ बता दिया कि कैसे कैसे बात हुई थी, जो भी उनका भागने का सीन था वो सारा का सारा माइकल ने हमें एक्सप्लेन कर दिया। तो भाई फिर हमने कहा कि तेरे पे उन्हें भी संभाल के रखा गया आराम से। तो इतने में फ्रैंकलिन ने हमारे से कहा कि वो दोनों मेरी टेंशन है, और माइकल से कहा कि तुम बॉस के पास चल रहे हो, वैसे भी तुम्हें बहुत दिन हो गए बॉस से फेस टू फेस मिले हुए। तो भाई हमने कहा तुम्हारे भी दोनों का बॉस है, क्योंकि हमें लगा था खाली ड्राइवर का ही होगा, और इन दोनों का बॉस नहीं होगा कोई, है ना, ये सबसे बड़े बिग बॉस होंगे, लेकिन भाई इनका भी कोई बॉस है। तो फ्रैंकलिन ने कहा कि तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, और जब टाइम आएगा तो पता लग जाएगा। तो भाई लोग अभी हम आ चुके हैं एक लोकेशन पे, और यहाँ पे जो है फ्रैंकलिन ने उतारने के लिए कही थी हेलीकॉप्टर, और आहिस्ता आहिस्ता उतारना पड़ेगा। ये कोई भाई बंद पड़ी फैक्ट्री वैक्ट्री है, ठीक है, फ्रैंकलिन के किसी दोस्त वोस्त की जानने वाले की, ठीक है। और ये भाई हेलीकॉप्टर ने लैंड भी करा दिया, बाहर भी आ गए, ठीक है। और लामा जो है यहाँ पे ट्रक और हमारे लिए बाइक लेके आ चुका है,
तो भाई सामान वामान अपने आप उतारते रहेंगे, मतलब अपनी बाइक लेके निकलते हैं भाई। ये हैगा ट्रक, ठीक है, और ये अपनी बाइक, इसे उठा कर निकलते हैं अपन। और इससे हम जो है हायाबुसा से अपनी लोकेशन पे जा रहे हैं। वैसे तो भाई हायाबुसा के बारे में काफ़ी ज़्यादातर लोग जानते होंगे, है ना, लेकिन फिर भी अगर तुम नहीं जानते हो तो मैं बता दूँ कि ये भाई वन ऑफ द ओल्डेस्ट सुपर बाइक है, ठीक है। मतलब इससे पहले कोई भी सुपर बाइक ऐसा चाहती थी, है ना, ये टाइम ही कहीं ना कहीं इसके साथ में शुरू हुई है क्योंकि इसका इंजन कुछ ज़्यादा पावरफुल था। ये भाई आई थी सबसे पहली बार मार्केट में 1999 में, और भाई 1360 सीसी का इंजन था इसका, मतलब 1 लीटर से भी ज़्यादा। और जैसे कि ज़्यादातर सुपर बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा हल्की होती हैं, ये उनके अपोजिट काफ़ी ज़्यादा भारी है। और जहाँ तक कि दूसरे बाइकों में जो है कार्बन फाइबर यूज़ होता है, इसके अंदर यूज़ हुआ भाई एलुमिनियम, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती है। इसके अंदर है MT ABS, मतलब ये क्या है भाई, मोशन ट्रैकिंग ABS होता है कि अगर कहीं पे हम ऐसे भाई एकदम से स्टीप सा स्लोप ले रहे हैं, ये भाई गड़बड़ होगी, अगर मान लो कहीं बहुत ज़्यादा स्पीड पे जा रहे हैं और ऐसे हमने एकदम से मोड़ दी, तो ये क्या कहते हैं, उस हिसाब से स्पीड को कंट्रोल कर लेगी भाई। इस तरह का होता है MT ABS, मोशन ट्रैकिंग ABS। और भाई लोग अभी हम बाइक भगाते भगाते करीब करीब उसी लोकेशन पे पहुंच गए हैं, और जहां तक है ये है वो जगह, ये है वो घर जो फ्रैंकलिन ने हमें दिया है। और बाइक को अपनी लॉक कर देते हैं, ठीक है, और चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा घर है। और भाई इसके अंदर तो शायद कोई है पहले से, एक बार भाई अपना सिस्टम बाहर निकाल लेते हैं, कोई भाई हमला वमला ना कर दे एकदम। छोटा सा घर है ये, तो ये गैरेज है छोटी सी, बहुत बड़ी गैरेज नहीं है ना। उसने ये कहा था कि भाई काफ़ी ज़्यादा लो प्रोफाइल घर है, तो इलाका भी काफ़ी लो प्रोफाइल, ज़्यादा महंगा नहीं। और भाई यहाँ पे लैपटॉप रखा है, ओ भाई ट्रेसी यहाँ है, तो भाई यहाँ पे अमेंडा ट्रेसी दोनों है, ये ट्रेसी है, ये भाई अमेंडा है वहाँ पे। और भाई अभी हमारी इनसे बात हुई है दोनों से, और इन्होंने हमें बताया भाई जब ये वहाँ से गई भागी थी ना दोनों माइकल के यहाँ से, तो भाई ट्रेसी के पास फ्रैंकलिन का नंबर था इन सबके अलग होने से पहले से, तो इसने फ्रैंकलिन को कॉल कर लिया था, और फ्रैंकलिन ने इन्हें रहने के लिए जगह दे दी थी, और इन्हें हमारी तरह कुछ जो वो भी नहीं करनी पड़ी ऐसी, क्योंकि ये दोनों 1 मिलियन चुरा के भागी थी घर से, तो इससे इनका आराम से सारा काम हो गया। और भाई ये घर आ गए, यहाँ पे ये सोफ़ा टेबल है, यहाँ पे ये TV लग रखा है, ओ भाई चौक यहाँ है, इन्होंने हमें बता रखा है कि भाई फ्रैंकलिन ने इन्हें चौक को अपने पास रखने के लिए कह दिया था, क्योंकि ये आराम से एक लो प्रोफाइल से घर में रह रही हैं, तो यहाँ पे चॉप पे कम खतरा होगा, तो इसलिए फ्रैंकलिन ने इन्हें रखते हुए कह दिया था चॉप को, चॉप जो फ्रैंकलिन का कुत्ता था, है ना। और ये क्या कहते हैं, यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह लग रखी है, कपड़े वपड़े धुलेंगे ये इधर, और ये है भाई बेडरूम, हाँ, और अंदर है यहाँ पे बाथरूम। यहाँ से भाई ये पीछे की जगह है, एक बड़ी सीक्रेट सी जगह है। और भाई इतने सारे गैस सिलेंडर रखे हुए हैं यहाँ, भाई करना क्या चाहता है बंदा फ्रैंकलिन, इतने सारे सिलेंडर क्यों रखे हुए हैं, कुछ उड़ाना है इस घर को। तो भाई लोग आज वाली वीडियो बस इतना ही, अगर तुम्हें इस वाली वीडियो में मजा आया तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एकदम भर के करना। और भाई और अभी भाई वेडनेसडे को आएगी सिटी स्काईलाइन की वीडियो, तो उसे एकदम बेहतरीन वाला सपोर्ट दिखाना है ना, जैसे तुम बाकी की सिटी स्काईलाइन की वीडियो देखो दिखाते हो। मुझे नहीं पता GT5 वाली कैसी जाने वाली वीडियो, लेकिन सही बताओ मैं इस पर काफ़ी लगी है, सिटी स्काईलाइन से तो काफ़ी ज़्यादा लगी है ना, तो देख लेना अपने आप, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में।